हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डोरवर पर स्वागत करता हूँ। हम लोग 10th के फिजिक्स पार्ट में पढ़ चुके हैं कि प्रिज्म से किस प्रकार से अपवर्तन होता है। प्रिज्म कोण अपवर्तनांक में हम लोगों ने संबंध जाना है, विचलन कोण जाना है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो ये आपका हेडिंग होगा, कांच के प्रिज्म द्वारा, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये हेडिंग आप डालिएगा, डिस्पर्सन ऑफ ए व्हाइट लाइट बाई ए ग्लास प्रिज्म। जो भी हमारा ये ग्लास का प्रिज्म जैसा हम लोगों ने देखा है, उससे किस प्रकार से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, ये हमें इसमें सीखना है। तो वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग। वर्ण विक्षेपण मतलब रंग अलग अलग कर देना, ये काम कौन करता है? प्रिज्म करता है। और इसी घटना के कारण जो प्रिज्म को हम लोग कहते हैं, ये वर्ण विक्षेपक का कार्य करता है। तो ये देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, आप देखिए, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। क्या है? 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। अभी फिर आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये 7 रंगों में विभक्त होता है। देखिए, ये प्रिज्म है आपका, ये देखते हैं। देखिए, ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म का एक क्रॉस सेक्शन आपको दिया गया है। सफ़ेद रंग की प्रकाश ये यहाँ से दिखाई गई है। जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि जब एक बड़ी प्रकाश यहाँ से गुजरता है तो उसका अपवर्तन होता है। अच्छा, अब यहाँ भी अपवर्तन हो रहा है लेकिन श्वेत प्रकाश का हो रहा है। यहाँ जो गुजर रहा है प्रकाश, वो कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना होता है और भिन्न भिन्न रंगों के विचलन भिन्न भिन्न होते हैं। सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है? बैंगनी रंग। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। यह इनके तरंग दैर्ध्य के कारण होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य ये सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन ये सबसे अधिक होता है। अब ये देखते हैं हम, ये जो 7 रंग का प्रकाश विभक्त हो रहा है, ये किस क्रम में विभक्त हो रहा है? तो ये देखिए, यहाँ आपको दिखाया गया है कि श्वेत रंग का प्रकाश यहाँ से इस तरह से ये विक्षेपित हुआ, और ये इस क्रम में आप देखिए क्या है आपका, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये अलग अलग इस तरह से 7 पट्टियों में विभक्त हो जाते हैं, जिन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन पट्टियों को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इसका क्रम याद रखने के लिए देखिए, हम इस तरह से इसको सीख सकते हैं। ये जो 7 रंग हैं, 7 क्रम हैं रंगों के, ये बिल्कुल सीधा। अच्छा, एक चीज़ और भी जानिएगा, आधार की तरफ जो प्रिज्म का ये आधार होगा, बेस, उस तरफ आपका वायलेट होगा और जो शीर्ष होगा उस तरफ आपका रेड होगा। तो देखिए, इस क्रम को यहाँ दिखाया गया है, बैगनी वायलेट, जामुनी इंडिगो, नीला या आसमानी, नीला आसमानी आप कह सकते हैं, ये है आपका ब्लू, हरा ये ग्रीन, पीला ये येलो, और नारंगी ऑरेंज, और
लाल, ये है रेड। अब देखिए बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। इसको याद रखने के लिए हम लोग इस क्रम का प्रयोग करते हैं, विवग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर, वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और हिंदी में भी हम इसको कह सकते हैं बैजनी ह पीनाला, मतलब बैगनी, जामुनी, नीला आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये क्रम याद करने के लिए आपको सुविधाजनक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ हमने और बताने की कोशिश की है, यहाँ ये है कि अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश आपका लाल रंग है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और इसका विचलन क्या होता है? कम होता है। ये फिगर में भी आपने देखा, लाल रंग का विचलन ये सबसे कम होता है। और कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य कम, उसका विचलन, देखिए सबसे कम तरंग दैर्ध्य तो उसका विचलन सबसे अधिक, तो जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसका विचलन अधिक, और जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक उसका विचलन कम। इसीलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो ये आपने सीख लिया कि किस तरह से विक्षेपण होता है। अब हम जानेंगे कि प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, क्यों होता है इस प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण। हालांकि आपने बहुत कुछ अभी सीख लिया, तो अब इसी जो आपने सीखा है उसी में इसका आंसर भी है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण, कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाई प्रिज्म। देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का ये वर्ण विक्षेपण का क्या कारण बनता है, क्यों है प्रकाश द्वारा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का ये वर्ण विक्षेपण। देखिए किसी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक ये प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, किसी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक ये प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जब कोई प्रकाश की किरण ये कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर कांच के आधार की ओर झुक जाती है। चूंकि प्रकाश में उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों के कारण विचलन भिन्न भिन्न होता है, अतः लाल रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकती है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का स्पेक्ट्रम का ऊपरी भाग बनता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक झुकती है, क्योंकि बैंगनी रंग स्पेक्ट्रम के नीचे का भाग है। अच्छा, क्यों विचलन ज़्यादा होता है? इसको आपने इससे पहले भी जाना है कि जिसका तरंग दैर्ध्य ये कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य ये कम होता है इसलिए इसका विचलन अधिक होता है, आधार की तरफ ये ज़्यादा झुकता है। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ये सबसे अधिक होता है इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। तो देखते हैं कि लाल रंग ये प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकती है क्योंकि ये स्पेक्ट्रम के ऊपरी भाग में बनता है, और बैंगनी रंग ये सबसे ज़्यादा झुकती है इसलिए प्रिज्म के आधार की तरफ ये ज़्यादा झुक जाती है क्योंकि स्पेक्ट्रम का ये नीचे का भाग होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म में से गुजरने पर इस तरह से भिन्न भिन्न रंग अपने विचलन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर उसी क्रम में झुकते हैं। इस तरह से वो रंगों का अलग अलग हो जाना ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसीलिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। जिसका विचलन ज़्यादा होगा वो आधार की तरफ ज़्यादा झुकता है, और जिसका विचलन कम होता है वो आधार की तरफ कम झुकता है।
वो बैगनी से लाल रंग के क्रम में आपने देखा। अब देखिए, आयताकार गुटके से बड़ विक्षेपण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, आयताकार गुटके में श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता, ये कारण आप जान लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे आयताकार गुटके से दोनों कांच हैं, तो आयताकार गुटके से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों नहीं होता है? क्योंकि आयताकार गुटके से गुजरने पर प्रकाश की किरणों का विचलन नहीं होता। गुटके से आपतित तथा निर्गत किरणें ये परस्पर समानांतर हो जाती हैं, जिससे केवल इनका पार्श्व विपथन होता है। पार्श्व विपथन क्या? जैसे आपने ये देखा कि जैसे ये आपका कांच का गुटका हुआ, ये प्रकाश की किरण गुजर रही है, ये आपका अभिलंब हुआ, अभिलंब की तरफ झुकी और फिर ये आपका अभिलंब से यहाँ से दूर हटी, तो ये निर्गत किरण और ये आपका आपतित किरण, ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के ये समानांतर हो जाती हैं, ये और ये समानांतर हो जाती हैं, आगे या पीछे बढ़ाने पर ये कहीं मिलती नहीं है। इसका मतलब केवल पार्श्व में इतना विपथन हो गया, ये इतना विपथन मतलब ये दोनों किरणें केवल इतनी दूरी पर हो गई, विभक्त हो गई हैं, लेकिन क्या है, कोई भी विचलन कोण नहीं बना रहा है ये। अच्छा, अब देखिए, प्रिज्म में क्या होता था, जब कोई भी श्वेत प्रकाश ये गुजरी, ऐसे एक वर्णी प्रकाश के लिए भी आप ले लीजिए, तो ये अभिलंब की, ये अभिलंब हुआ आपका, अभिलंब की तरफ झुकी और जब फिर बाहर निकलना है तो ये अभिलंब से दूर हो गई, तो अब ये आपका आपतित किरण हुआ, ये आपका निर्गत किरण हुआ। आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये एक कोण बनाते हैं और यही कोण आपका विचलन कोण है। तो यहाँ विचलित होती हैं, इसलिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश के विचलन के कारण, लेकिन कांच के गुटके द्वारा विचलन नहीं होता है। अब ये देखिए, एक आपको एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट है आपका कि आइज़क न्यूटन ने ये बताया कि श्वेत प्रकाश ही ऐसा है जो कि सात रंगों में विभक्त होता है। इसका मतलब इसी तरह का कोई अन्य प्रकाश भी हो सकता है जो श्वेत प्रकाश की तरह हो सकता है, या उन स्पेक्ट्रमों को मिला करके भी हम श्वेत प्रकाश बना सकते हैं इन सातों रंगों को। इसके लिए इन्होंने क्या किया, दो प्रिज्म लिया, दो प्रिज्म जिनके आधार एक दूसरे के विपरीत हैं। आप देखिए, इस प्रिज्म का आधार P1 का आधार नीचे की तरफ है और जबकि P का आधार ये ऊपर की तरफ है। अब जब कोई भी श्वेत प्रकाश ये गुजर रहा है, ये श्वेत प्रकाश गुजरा, अब ये यहाँ से पहले इस प्रिज्म द्वारा, P1 द्वारा दो जो आपके मुख्य रंग हैं बैगनी और लाल, बैगनी आपका नीचे की तरफ आधार की तरफ और लाल आपका ऊपर की तरफ, ये विभक्त हो गया। अब फिर जब ये दूसरे प्रिज्म P2 में गुजरता है तो ये बैगनी और लाल रंग ये मिल करके फिर आपके श्वेत प्रकाश बना लेते हैं। तो इस तरह से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, इससे हम ये सिद्ध करते हैं कि कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम बनाता है वो क्या होता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। श्वेत प्रकाश सात रंगों से जिस तरह से मिलकर बना हुआ है, तो उसी तरह से दूसरे अन्य श्वेत प्रकाश हम मान सकते हैं जो सात रंगों से मिलकर बना होता। इस फिगर द्वारा आपको दर्शाया गया है कि पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश सात रंगों में बड़ विक्षेपित होता है और दूसरे प्रिज्म इन सातों रंगों को संयोजित करके पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त करता है, बनाता है। वर्ण विक्षेपण के कुछ उदाहरण हम लोग जान लें। वर्ण विक्षेपण का एक मुख्य उदाहरण है हमारा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है, आप बरसात में बहुत ही कौतूहल का विषय होता है कि इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष सब देखते हैं। तो सबसे प्रमुख बात तो यह है कि इंद्रधनुष ये दिन में ही निकलता है, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश
ये मुख्य रूप से उत्तरदायी है। सात रंगों में ये विभक्त होता है, इसका मतलब हुआ कि स्पेक्ट्रम बनाता है, ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम हुआ, और इस तरह से ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण ये होता है। हमेशा जो है इंद्रधनुष ये सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य जैसे पश्चिम की तरफ डूब रहा है तो आपको हमेशा पूरब की तरफ मतलब उल्टे दिशा में ही आपको इंद्रधनुष मालूम होता है, दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि जब बारिश हो रहा होता है या बारिश होकर निकल चुका होता है, बहुत नन्ही नन्ही बूंदें ये गिर रही होती हैं, तो ये जो नन्ही बूंदें हैं ये एक प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती हैं, और ये प्रिज्म क्या करता है, आपतित होने वाले प्रकाश को सात रंगों में विभक्त कर देता है। तो जब ये एक अपवर्तन की घटना और वर्ण विक्षेपण की घटना द्वारा ये सात रंगों में विभक्त हो गया तो हमारे नेत्र तक ये सात रंग पहुँचते हैं, और जल की बूंदों के कारण ये और पृथ्वी के क्षितिज के कारण ये इसका जो आकार होता है ये एक चाप की भांति, ठीक है, वृत्त के एक चाप की भांति दिखाई देता है, जिसको हम लोग धनुष कह देते हैं, और ये इंद्रधनुष कहलाता है। अब देखते हैं कि किस तरह से ये इंद्रधनुष बना, थोड़ा सा इसको इस फिगर द्वारा हम समझते हैं। ये आप देखिए, देखिए इंद्रधनुष का बनना यहाँ आपको दिखाया जा रहा है। जैसे कोई भी ये वर्षा की बूंद है, ये आपकी वर्षा की बूंद है, श्वेत प्रकाश ये इस पर आपतित हो रही है, ये श्वेत प्रकाश है। अब श्वेत प्रकाश क्या हुआ, जैसे ही इस बूंद में आई तो ये एक प्रिज्म की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ ये दो रंगों में इसको विभक्त कर दिया। ये एक आपका ये नीचे वाला बैंगनी हो गया, ज़्यादा विचलित हुआ, और ऊपर वाला आपका लाल हो गया। अब इसका थोड़ा सा अपवर्तन हुआ और थोड़ा आंतरिक परावर्तन भी हो जाता है, जो हमको दिखाई देता है वो आंतरिक परावर्तन के कारण भी दिखाई देता है। इसमें वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है, आंतरिक परावर्तन भी हो रहा है। अब ये इस तरह से अपवर्तित हो करके, लेकिन क्या हो गया, आंतरिक परावर्तन हो गया, ये बाहर आई, फिर यहाँ ये अपवर्तित हुई, और अपवर्तित हो करके ये आपका बैंगनी और ये आपका लाल हुआ। और जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल पर ये दिखाई देता है। तो बैग आपको दो कलर बता दिया गया, बैंगनी और लाल, और बीच में इसके अन्य रंग भी दिखाई देते हैं, और ये इस तरह से एक चाप के रूप में आपको दिखाई देता है, जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो वेरी इजी फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इंद्रधनुष क्या है, रेनबो क्या है, प्रकृति द्वारा सूर्य के प्रकाश की विक्षेपण द्वारा बने प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। यह वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण वर्षा की सूक्ष्म बूंदों द्वारा बनता है, मतलब मुख्य जो कारण होता है ये वर्ण विक्षेपण ही है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, देखिए हम लोग अपवर्तन पढ़ चुके हैं, ये जिस तरह से किसी कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन होता है उसी तरह से वायुमंडल में भी अपवर्तन होता है। वायुमंडल में अपवर्तन क्यों होता है, वायुमंडल में सभी जगह वायु होती हैं, परंतु जो वायु का तापमान है ये समान नहीं होता है। वायु का तापमान समान न होने के कारण नीचे की परत ठंडी होती है और ऊपर की परत गर्म होती है, इसीलिए नीचे का जो वायुमंडल होता है ये सघन होता है और ऊपर का जो वायुमंडल होता है वो विरल होता है। तो इस तरह से माध्यम अलग अलग हो गया, ऊपर विरलता और ज्यों ज्यों नीचे आता जाएगा प्रकाश त्यों त्यों सघनता होती जाएगी। सघनता होने के कारण
जब भी अपवर्तन होगा प्रकाश का तो वो अभिलंब की तरफ झुकता जाएगा, और यही कारण है कि वायुमंडल के इन विभिन्न परतों के कारण जिनका माध्यम सघन और विरल है, अलग अलग है, इसी घटना के कारण जो है वायुमंडल में अपवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के सघन तथा विरल होने के कारण प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ये क्यों सघन है, क्यों विरल है, ये हमने आपको बताया, ये आप समझ गए। इस प्रकृति में वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। मुख्य रूप से दो उदाहरण आता है, एक तो तारों का टिमटिमाना, उनकी वास्तविक स्थिति क्या होती है, और दूसरा है सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है तो उसकी वास्तविक स्थिति का हमको पता नहीं होता है। तो इन्हीं दोनों को हम इस उदाहरण में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि तारों का टिमटिमाना, पहला है तारों का टिमटिमाना तथा वास्तविक स्थिति, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है और तारों का ये टिमटिमाना क्या है। इसको एक फिगर से हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका एक फिगर है, इस फिगर में देखिए एक प्रेक्षक, एक बालक यहाँ खड़ा है, और ऊपर से नीचे ज्यों ज्यों आप आएंगे त्यों त्यों क्या होगा, सघनता बढ़ती जाएगी, इसका मतलब अपवर्तनांक बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, प्रतीत क्या होगा, बढ़ता हुआ होगा। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ये हमारे नेत्रों को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसका कारण ये है कि प्रकाश जो है ये लगातार अपवर्तित होता रहता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में ज्यों ज्यों प्रकाश आता जाता है त्यों त्यों ये लगातार अपवर्तित होता जाता है। इसका क्रमिक जो अपवर्तन होता है, इसी अपवर्तन के कारण जो तारे की आभासी स्थिति होती है वो वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। यदि हम क्षितिज के निकट से किसी तारे को देखते हैं तो उसकी वास्तविक स्थिति कुछ अधिक ऊंचाई पर हमको दिखाई देता है, मतलब तारे की जो आभासी स्थिति होगी वो अस्थाई ना हो करके ये थोड़ी थोड़ी देर पर बदलती रहती है। उसका कारण क्या है कि वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी तो बदलती रहती हैं, कहीं जहाँ टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है फिर कुछ कम है, तो जो वायुमंडलीय परतें हैं उनके अपवर्तनांक भी बदलते हैं, उनकी सघनता और विरलता भी बदलती जाती है। तो इसीलिए उनकी वास्तविक स्थिति तो वही रहती है लेकिन आभासी स्थिति ये बदलती जाती है। और इस तरह से तारों में जो होने वाला थोड़ी थोड़ी देर पर पथ का बदलाव होता है, मतलब आभासी जो विचलित होना उनका होता है, हमारी आँखों में वो टिमटिमाते या झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि तारों का टिमटिमाना। जैसे ये वास्तविक स्थिति है तारे की, लेकिन क्या है कि अपवर्तन के कारण, जो कि एक ही जैसा अपवर्तन नहीं होगा, हो सकता है कि एक किरण आ रही हो फिर दूसरी किरण आ रही हो, तो जहाँ माध्यम कुछ सघन था वहाँ सघनता और भी बढ़ गई या कुछ विरलता हो गई। तो इस तरह से इसकी स्थिति ये आभासी ये बदलती रहती है, आभासी जो स्थिति है ये बदलती रहती है। तो इसी आभासी स्थिति के बदलने के कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये तारों का टिमटिमाना। देखिए नंबर एक उदाहरण में हम तारों का टिमटिमाना तथा वास्तविक स्थिति लिखेंगे, फिगर वहां से आप ले लीजिएगा। तारे प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं।
क्षैतिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। तारों की यह आभासी स्थिति भी अस्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है, जिससे सितारों का या तारों की जो आभासी स्थिति है ये विचलित होती रहती है और हमें ये टिमटिमाते हुए या झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। अब इसी क्रम में हम दूसरा उदाहरण लेंगे, जो दूसरा उदाहरण है आपका ये है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त। मतलब ये है कि अग्रिम सूर्योदय, सूर्योदय वास्तविक से हमको पहले दिखाई देता है, और विलंब सूर्यास्त और सूर्यास्त जो है सूर्य डूब जाता है तब भी हमको उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। और ये जानते हैं ये दो दो मिनट का अंतर है, यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग दो मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त से लगभग दो मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। तो इस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त के वास्तविक समय में कुल जो अंतर हो गया वो चार मिनट का अंतर हो जाता है। ऐसा कैसे रहता है, किस तरह से ये दिखाई देते हैं, आइए इसको हम इस फिगर से समझते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम यहाँ समझते हैं। देखिए, ये सूर्य की वास्तविक स्थिति हुई, ये क्षितिज आपको दिखाया गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई और पृथ्वी से ये आपकी क्षितिज हो गई, ठीक है। ये देखिए, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी से बिल्कुल ये जो क्षैतिज रेखा हो गई ये क्या हो गई, क्षितिज हो गई। अब देखिए, क्षितिज से नीचे ही सूर्य है तो हमको दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या है, सूर्य से जो भी चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं ये अपवर्तित हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा ये भाई क्षितिज पे हैं तो सबसे ज़्यादा ये यहाँ वायुमंडल में चल रही हैं, यहाँ वायुमंडल सबसे ज़्यादा है। जैसे ही पृथ्वी के क्षेत्र में आएगा वायुमंडल सबसे ज़्यादा होगा, ये सब क्षेत्र वायुमंडल का क्षेत्र होगा, ये बहुत कम वायुमंडल होगा, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के समीप आएगा यहाँ वायुमंडलीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जो भी प्रकाश की किरणें चलेंगी वो अपवर्तित होने के कारण, देखिए वास्तव में इसको सीधे ऐसे चलना चाहिए लेकिन अपवर्तित होने के कारण ये हमारी आँख तक पहुँच जाती हैं। तो अभी सूर्य इस क्षितिज से नीचे ही है तब भी हमें हमारी किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारी आँख तक पहुँच जाती हैं, और इस तरह से अभी सूर्योदय नहीं हुआ है लेकिन सूर्य हमको दिखाई देने लगता है। अब देखिए, इस यही स्थिति सूर्यास्त के भी समय होता है, सूर्यास्त भी हो चुका रहता है, जैसे यहाँ सूर्यास्त हो चुका है, यही स्थिति, यही फिगर सूर्यास्त के लिए भी लागू है। सूर्यास्त हो चुका है, सूर्य की स्थिति यहाँ है, लेकिन अपवर्तन के कारण यहाँ से अगर हम इसकी सीधी वाली रेखा लें तो इसका प्रतिबिंब हमको यहाँ दिखाई देता है, ये इसकी आभासी स्थिति हो जाती है और सूर्य हमको दिखाई देता है डूबते समय, सूर्य जबकि डूब चुका होता है, और उदय होते समय अभी उदय नहीं हुआ है लेकिन तब भी हमको दिखाई देता है, और ये लगभग दो मिनट का अंतर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जाना कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये कैसे होता है, सूर्य के श्वेत प्रकाश का अपने सात रंगों में विभक्त होना ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, और वर्ण विक्षेपण का एक अच्छा उदाहरण हम लोगों ने प्राकृतिक वर्ण विक्षेपण, ये इंद्रधनुष का बनना ये सीखा, वायुमंडल में किस तरह से अपवर्तन होता है और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना, उसकी वास्तविक स्थिति क्या होती है, और सूर्योदय और सूर्यास्त अपनी वास्तविक स्थिति से किस तरह से अग्रिम और विलंब रहता है ये हम लोगों ने सीखा। अगले क्रम में हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन ये सीखेंगे,
प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव और इस पर भी कुछ उदाहरण। धन्यवाद।